दो दिनों से सोनाक्षी सिन्हा बहुत ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है और उनके बारे में कई ज्यादा चर्चाएं हो रही है। सबसे पहले उनकी और सलमान खान की एंगेजमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा तहलका मचाने वाला जो है न्यूज हेडलाइन सामने आया, लेकिन बाद में उसका सच लोगों को पता चला कि किस तरीके से पिक्चर को मॉर्फ किया गया था और फोटोशॉप पिक्चर था। और उसके ऊपर सोनाक्षी का पहला रिएक्शन था कि आर यू सो डम्ब कि तुम्हें मॉर्फ पिक्चर जो है फोटोशॉप्ड पिक्चर है वो दिखाई नहीं दे रही। और उसके बाद जो है अब सोनाक्षी सिन्हा लैंड कर चुकी है अपने आप को एक लीगल ट्रबल में। लीगली क्या कुछ हुआ है सोनाक्षी के साथ जिसके वजह से उनके लिए उनकी तकलीफें बढ़ती हुई नजर आ रही है, बताती हूं आपको इस वीडियो में। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल गाइज, आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा जो है एक इवेंट के लिए 37 लाख रुपीज चार्ज करती है। यस, 37 लाख रुपीज चार्ज करती है एक अपीयरेंस के लिए, एक इवेंट के लिए जो होने वाला था दिल्ली में। और जैसे हमें पता है कि बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज जो है वो ऐसे स्पेशल इवेंट्स में या यू नो कोई बड़े बड़े अगर कोई फंक्शंस हो रहे हैं वहाँ जाते हैं एंड उन्हें उसके भी फीस मिलते हैं। तो ऐसे ही दिल्ली के एक फंक्शन के लिए सोनाक्षी ने जो है चार्ज किए थे 37 लाख रुपीस, लेकिन वो उस इवेंट पे आई ही नहीं। यस, उन्होंने पैसे तो ले लिए लेकिन वो उस इवेंट के लिए, जिस इवेंट के लिए उन्होंने पैसे लिए वो वहाँ पे गई ही नहीं, दिल्ली में वो पहुँची ही नहीं, जिसके वजह से जो है वो अपने आप को लीगल ट्रबल में ऑलरेडी देख चुकी हैं। और अब जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक सोनाक्षी से आना बाकी है, लेकिन उनके लिए लीगल ट्रबल आ गई है क्योंकि जिन्होंने, जिनका वो इवेंट था और जिन्होंने सोनाक्षी को 37 लाख रुपीस पे किए थे उस इवेंट के लिए, उन्होंने अब जो है सोनाक्षी के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी है। सोनाक्षी का जवाब क्या होगा ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको इसके ऊपर क्या है कहना? उन्होंने पैसे तो ले लिए इवेंट के लिए लेकिन इवेंट के लिए पहुंची ही नहीं। व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू गाइस सून, तब तक के लिए बाय बाय।